हाउसिंग बोर्ड में जमीन विवाद के मामले को लेकर वार्ड 24 के कांग्रेसी पार्षद नीतीश यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी है, जिसमें वार्ड 21 कुरुक्षेत्र की शासकीय भूमि को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बेचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तथाकथित खेल में भाजपा पार्षद भी शामिल है। साथ ही पार्षद ने कहा कि यदि वे शामिल नहीं है तो वे सामने मेरे साथ आए और इस तथाकथित शासकीय जमीन बेचने के मामले की शिकायत करें। पत्रकार वार्ता के दौरान मामले को लेकर दुर्ग कप्तान को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई। क्योंकि वार्ड 21 कैलाश नगर में शासकीय भूमि कुछ लोगों ने, जिसमें अभिषेक सिंह के साथ गार्गी मिश्रा एवं पीस मिश्रा जी शामिल है, तो हम उनके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल हमने SP सर को एक आवेदन दिया था, जिसमें हमने जिसने जमीन बेची उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु हमने आवेदन दिया हुआ है और SP सर ने आश्वासन भी दिया हुआ है कि हम जांच करेंगे, जितने भी नाम सामने आएंगे वो FIR दर्ज करेंगे। ये लड़ाई हमारी भू माफिया के खिलाफ है, तो जितने भी भू माफिया ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे और जितने पीड़ित लोग जिसमें शामिल हो चुके हैं, 400 के शिकार हो चुके हैं, उनके साथ कर। हमने वार्ड 23 में घासीदास नगर में ग्राउंड बन रहा था, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड बना था नगर निगम के से, तो उसमें एक नक्शा मिला था, हमको अचानक से एक नक्शा मिला था, तो हमने नक्शे को देखा तो देखा दोनों साइड घास भूमि थी, लेकिन एक साइड में पूरे घर बने हुए थे। जब हम जांच किया, पड़ताल की, तो पता चला कि ये तो सरकारी जमीन है, जिसमें कुछ लोगों ने जमीन बेचकर बिल्डिंग बना ली है, तो जिसमें हमने रजिस्ट्री निकाले, सब पेपर निकाले, तो नाम पता चला। अभी हमको 1500 स्क्वायर फीट की 3 रजिस्ट्री मिले, जिसमें 500 का अवैध कब्जा है, तो हमने भी 3 रजिस्ट्री निकाली हुई है, उसका जांच करवा रहे हैं। अब जांच में अभिषेक सिंह का नाम सामने आया हुआ है, जिसका साथ गार्गी मिश्रा जी और पीस मिश्रा जी ने दिया हुआ, हमने भी SP सर को आवेदन दिया हुआ। नहीं, अभी हम बेचने वाले खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।